मिडिल पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है, क्या होता है, जीरो कुछ लोग जिक्र करते हैं कि ये जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। जब तुम नंबर लाइन खींचते हो, सही से बताना, तो नंबर लाइन खींचते समय तुम्हारा सबसे चीज ये चीज देखना होता है कि ये जो पॉइंट बंदा जो होता है ये ओ है, और इधर का पूरा ये पार्ट जो होता है, जहां तक समझ में आना चाहिए, यहां से लेकर के ये जो पार्ट होता है पूरा तुम्हारा, ये किस में होता था, प्लस प्लस में, किस में होता है, प्लस 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 में प्लस, और यहां से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है बताओ, माइनस माइनस माइनस। माइनस में। वही क्रिटेरिया ऊपर भी है, ऊपर अगर जाते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस प्लस, ऊपर अगर जाते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, और नीचे क्या होता है बताओ, माइनस 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 होता है, क्या होता है बताओ, माइनस माइनस माइनस। माइनस होता है। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट होता है ये हमेशा कैसा चलता था, उल्टा चलता है, कैसा चलता है बताओ, उल्टा। उल्टा इस क्वाड्रेंट की अगर हम डिस्कस करेंगे, ये बंदा हमेशा कैसा चलता है बताओ, उल्टा उल्टा चलता है, क्योंकि इसके बहुत सारे सेक्शन होते हैं। अगर देखोगे तो ये जो होता है ये हमेशा प्लस, ये प्लस, और किसमें होता है बताओ, प्लस प्लस में में होता है, सिर्फ किसमें होता होते है, प्लस प्लस। और जैसे जस्ट इसका अगर उल्टा करेंगे, ठीक है, ये प्लस प्लस है, जस्ट इसका उल्टा करो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। माइनस। और कभी कभी क्राइटेरिया इसका ये बदल जाता है, कभी कभी ये अपोजिट क्लॉक वाइज जाता है, कैसा आता है, क्लॉकवाइज क्लॉक वाइज। अगर यहां से अगर देखोगे तो ये बंदा क्या था, ध्यान समझना, जो ये बंदा था ये क्या है बताओ, यहां से यहां तक माइनस है ना, क्या है बताओ, माइनस माइनस। ये बंदा क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ये क्या है बताओ, माइनस। अगर ऐसे अगर जाओगे, सबसे पहले किस पर टच किया है बताओ, सबसे पहले क्या है, ये माइनस पर टच किया है ना, किस पर टच किया है बताओ, माइनस माइनस पे पर। कभी कभी जब पारा बोला वाला पूछता है तब ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, इसके बाद क्या हो जाता है बताओ, प्लस। प्लस हो जाता है। अब माइनस प्लस के साथ जस्ट इसका उल्टा, तुम्हें ध्यान देना है कि इसका जो उल्टा होता है वो क्या होगा, माइनस प्लस। इसका अपोजिट देखो, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस तो माइनस का अपोजिट डैश प्लस, क्या लिखेंगे बताओ, प्लस, डैश ठीक है। इसके बाद यहां पर इसका जो इसका प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि क्या था बताओ, क्वाड्रेंट था। अब विधि किस पर था बताओ, पैराबोला पर, किस पर था बताओ, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला पर तुमको नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम क्लास के लेवल पे नहीं है। देखिए इसी समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है तुम्हारा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है किसमें होता था, प्लस प्लस। सेकंड किसमें होता है, माइनस प्लस। थर्ड किसमें होता है, माइनस माइनस। फोर्थ किस में होता है बताओ, प्लस, और क्या होता है बताओ, माइनस प्लस होता है, प्लस हाँ और माइनस। माइनस। अब तुम्हें छोटी सी बातें और जानना जरूरी, ठीक है, तुम्हें कौन सी बातें जानना जरूरी, ध्यान समझना। जैसे तुमसे क्या पूछा कि टू लाइन दे देगा, कितना लाइन देगा बताओ, टू लाइन, कितना लाइन देगा बताओ, टू लाइन, ठीक है। और टू लाइन में अगर तुम देखोगे, हमने बार बार बोला कि ये जो लाइन होता है इसके ये जो साइड जो होता है, जो ये बंदा होता है, ये हमेशा कितने डिग्री बनाता है बताओ, 90। 90, हमेशा कितना बनाएगा बताओ, 90 90, डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। और हमेशा हम लोग इसे क्या मान के चलेंगे बताओ, सेंटर, सेंटर, क्या मान के चलते हैं बताओ, सेंटर, सेंटर मान के चलते हैं। अब सेंटर में अगर देखेंगे तो किस टाइप का है बताओ, जैसे अगर तुम्हें अगर ये 90 अगर डिग्री है, इसकी भी तो कोई रेंज है बताओ, रेंज है कि नहीं है। अगर इसी चीज को, अगर ये लाइन को ध्यान समझना कि ये जो लाइन तुम दिख रहे हो, इस लाइन को अगर हम ऐसे अगर ड्रा करते, या क्वाड्रेंट ना बनता का बन जाता ना, अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो बंदा होता है ये प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। प्लस जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, माइनस 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 माइनस। अब मैंने बोला कि ये क्या होगा तो माइनस प्लस, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, के नीचे हो और ये क्या हो जाएगा जाएगा तो प्लस और माइनस। माइनस। और एक बात और चीज तुमको जानना जरूरी है कि जब कहीं पर 2, जब 8 लिखा रहता है तो 2 को अपशिक्षा बोलते हैं, अब शिक्षा क्या बोलते हैं, अब शिक्षा बोलते हैं ना, अब शिक्षा बोलेंगे। और जो 8 होता है इसे क्वाडिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाडिनेट। कोऑर्डिनेट शॉर्टकट में लोग इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस को फॉलो करता है, ये वाई एक्सिस को फॉलो करता है, ठीक है, इसको फॉलो करता है बताओ, वाई एक्सिस को फॉलो करता है, ये किसको करता है बताओ, एक्स एक्सिस को, ये किसको करता है, वाई एक्सिस को। बात समझ गया कि नहीं। जैसे अगर पेपर पूछेगा 4, कितना है बताओ, 5 है, तो 4, 5 में ये किसको फॉलो करेगा, तो एक्स, बोलो, एक्स एक्सिस, एक्सिस और हाँ ये अरे वाई होता है एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस को फॉलो करता है, समझ गया कि नहीं। तो एक्स एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस ये ये होगा, होगा।
अच्छा अब बात ये समझ में आती है कि जैसे हम कभी कोई चीज ड्रा करते हैं, कोई पिक क्या करेंगे बताओ, ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ड्रा कर लिए, ड्रा किए ना, कोई दिक्कत। अगर मैं तुमसे इसमें ये पूछूंगा, इसमें तुम बताओ कि ये बंदा, ये पूरा जो इसका रेंज जो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेंज क्या है बताओ। तो प्लस प्लस तो पहले बताए थे, और ये बंदा क्या है बताओ, माइनस माइनस बताए माइनस थे। इसे क्या बताए थे, प्लस माइनस और माइनस प्लस बताए थे। और ये प्लस और क्या है बताओ, माइनस बताए थे। बताए थे नहीं बताए थे, ठीक है। तो हम लोग कुल मिलाकर के आगे चलते हैं, उसको डिस्कस और अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत। नहीं अच्छा अब कभी कभी क्या पूछता था, सर्कल में पूछ लेता है। किसमें पूछ लेगा बताओ, सर्कल में। सर्कल सर्कल में तुमसे क्या पूछ लेगा, बहुत ज्यादा अगर पूछा भी, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मैं लाइन ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें अगर ये अगर पूछा कि जैसे तुमको क्या करना है, एक स्ट्रोक से इसमें क्या होता है, -4.8 है, और तुमको चेक करना है किस क्वाड्रेंट में होगा, तुमको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो -4.8 है ना, ये किस में है, माइनस में है, इसमें है माइनस में, माइनस में यहाँ माइनस में, और ये क्या है, प्लस प्लस में में है, प्लस में। अब तुम चेक करो कि माइनस प्लस कहाँ था। प्लस प्लस इधर था, माइनस माइनस इधर था। तो जब हम यहां से चलना शुरू किए थे, मान लो सपोज दैट यहाँ पर क्लॉकवाइज गया है, कैसे गया है, क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से जब चलना शुरू किया, जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो ये बंदा क्या होगा बताओ, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस इसके बाद जैसे ये यहाँ से चलना शुरू जब किया, तो क्या हो गया बताओ, माइनस माइनस, अरे प्लस माइनस, प्लस माइनस। और यहां से देखेंगे अगर ये अगर इधर चलना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। और अगर ये अगर ऐसा शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, तो ये बंदा माइनस माइनस। प्लस और तुम ही चेक करके बताओ किस क्वाड्रेंट में पड़ा, सेकंड में, कहां पड़ा बताओ, सेकंड। सेकंड में पड़ा। और यहां पर तुम देखोगे कि जो कुछ भी यहां तुमको दिख रहा है, जैसे प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, -4.8 है, प्लस और माइनस है, सब कुछ इसी चीज पर बेस करेगा। ये कौन सा बताओ, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये कौन सा बताओ, थर्ड है, ये कौन सा बताओ, फोर्थ है। ओरिजिन क्योंकि मिडिल पॉइंट ओरिजिन होता है, क्या होता है बताओ, ओरिजिन। कोई दिक्कत, आगे चलें। अब पूछेगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर टू अगर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता है, जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया गलती से कि 2, कितना है, 9 है, इसके बीच का क्या निकालना है बताओ, डी निकालना, बीच का क्या निकालना है बताओ, डी। यहाँ पर डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है, वाई स्क्वायर। बात आई समझ में, नहीं, रूट डी इक्वल्स टू फार्मूला, जब सिंगल दिया तो फार्मूला क्या यूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर बात आई समझ में। अब आगे डिस्कस करेंगे, अभी तुम फार्मूला क्या पढ़े, डी इक्वल्स टू रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। अगर हम क्वेश्चन देते हैं 2.8 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितना है 2, और वाई की वैल्यू कितना है 8, पुट कर लोगे ना बताओ। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, और 8 8 जा क्या हो जाएगा तो 16, 16 8 8 जा 60। इसको ऐड अगर करोगे आराम से, क्या हो जाएगा, 64 और 4 कितना हो जाएगा तो 68 68, क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और आगे लगा कि यूनिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, यूनिट। जब यूनिट सिंगल रहेगा तो हम ऐसे इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन और, 4, किसके बीच का देगा बताओ, 5 के बीच में देगा, और कहेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बताओ, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल के लिए, जब ये चीज बंदा सिंगल आए तो सिंगल के लिए क्या तरीका है। सिंगल के लिए ये तरीका है, इसे 4, अगर 5 पकड़ दिया है, क्या दिया है, 4, अगर 5 पकड़ दिया है, फार्मूला तुमको शुरू से पता था कि डी इक्वल्स टू क्या होता है, रूट बोलो एक्स रूट स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर, यही है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता वाई है, वाई स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसे आराम से क्या लिखेंगे, रूट एक्स की वैल्यू कितना है तो 4 है, वाई की वैल्यू कितना है, 5 फाइव है, 4 4 जा 16, सिक्सटीन 5 5 जा 25। 25।
अगर इसे हम ऐड अगर करते हैं, ऐड करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 625 कितना होता है 40 में? अब 41 लिख के क्या लगा देंगे बताओ? यूनिट। क्या लगा देंगे बताओ? 41 क्या हो गया बताओ? यूनिट हो गया। बात आई समझ में? इसे क्या बोलेंगे बताओ? 41